Assalamu alaikum. Hi guys, I'm Nabil Architect and I'm back with another fabulous video. In this video, I will show you how to model, how to design hexagon ceiling in a rivet. So keep supporting me, subscribe my channel, and press the bell icon, like, comment, and share my video. <music> ओके सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो आप हेक्सागोन सीलिंग जो है वो आप अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं मॉडल कर सकते हैं रिविट में हेक्सागोन सीलिंग फैमिली तो उसके लिए देखें मैंने कुछ यहाँ पर एक रूम सा बना दिया उसमें सीलिंग जो है मैंने कम्पाउंड सीलिंग जो है वो मैंने यहाँ पर फिक्स कर दी है और कुछ विंडोज़ डोर वगैरह जो है मैंने रेंडमली जो है वो इसमें लगा दिए हैं तो ये देखें ये इस तरीके से आपने जो है वो रेडी कर लेना जिसमें आपने कंपाउंड सीलिंग ये देखें यहाँ पे मैंने कंपाउंड सीलिंग जो है वो लगाई है अब उसके बाद हम क्या करते हैं फ़ाइल में आ जाते हैं न्यू पे आके फैमिली पे हम लोगों ने फैमिली क्रिएट करनी क्योंकि हेक्सागोन और यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ से फाइल पर आके इंग्लिश सेलेक्ट करके और यहाँ हम सर्च करेंगे जनरिक मॉडल सीलिंग बेस्ड ये ये देखें मॉडल जेनरिक सीलिंग बेस हमने सेलेक्ट करके और यहाँ पर हमने डिज़ाइन करना है अपनी सीलिंग जो हेक्सागोन सीलिंग होगी हमारी ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं फ्रंट एलिवेशन ये है इसका और यहाँ से हमने क्या करना है फ्रंट एलिवेशन पे हमने रेफरेंस प्लेन लगाना होगा यहाँ से रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं एक रेफरेंस प्लेन में लगा देता हूँ हॉरिजॉन्टली और इसको हम एक नेम दे देते हैं होस्ट का नेम दे, दे देते हैं इसको एक मैं इसको नेम दे देता हूँ होस्ट का और उसके बाद जो इसका रेफरेंस प्लेन का जो हमारा टॉप वाले रेफरेंस प्लेन से जो वो होगा सिक्स हंड्रेड mm मिली हम इसको रखेंगे और यहाँ से इसको हम मेजर भी कर लेते हैं टॉप से सिक्स हंड्रेड mm. ठीक है ये मेजरमेंट जो होगी हम इसको एक लेबल दे, दे देंगे यहाँ से मैं इसको लेबल लगा देता हूँ इंस्टेंस पे रख के यहाँ पर हम लेवल कर देंगे जो होगा हमारा ऑफसेट इसको हम बोलेंगे कि ये जो सीलिंग का जो टॉप है ना उससे कितना ऑफसेट हमें नीचे लेना है ये बस वही है 600 हंड्रेड mm. मिलीमीटर सही है रेफरेंस लेवल पे आ जाएंगे हम और यहाँ से हमने एक्सट्रूशन सेलेक्ट करके क्रिएट पे आके एक्सट्रूशन सेलेक्ट करना है और यहाँ से देखें दो आ रही है इंस्क्राइप पॉलीगॉन और सरकम इंसक्राइप पॉलीगॉन आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं फिलहाल हम ये वाली यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद आपने क्या सेटिंग करनी है देखिए सिक्स साइडेड बता रहा है यहाँ से और ये एक्सट्रूशन एंड जो है ना आपने क्या करना है एक्सट्रूशन एंड इसको हम फिफ्टीन कर देते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से आपने जो है वो ले लेना है और यहाँ से जो हमने हेक्सागोन हमने बनाना है फाइव हंड्रेड सिक्सटी का हेक्सागोन जो है वो क्रिएट करना है यहाँ पे हमने ठीक है क्रिएट करके फिनिश एडिट मूड कर देते हैं इसको और उसके बाद फ्रंट पे हम आएंगे तो ये देखें हमारा टॉप पे बन गया ठीक है थीके? तो हमें इसको टॉप पे नहीं चाहिए हमें जो नीचे जो हमने एक रेफरेंस प्लेन लगाया था हमें इसके टॉप तक चाहिए और यहाँ से मैं इसको लॉक कर दूँगा ठीक है टॉप जो हमारी सीलिंग है उससे हमने सिक्स मिलीमीटर mm का गैप रखा है ठीक है अब इसे एक और रेफरेंस प्लेन में लगाने जा रहा हूँ एक और मैं यहाँ पर रेफरेंस प्लेन लगाता हूँ और उसके बाद हमने क्या करना है इसको भी हमने इसकी डायमेंशन भी लेनी नहीं है इसको हम हंड्रेड मिलीमीटर कर देंगे जो हमारी आ, सीलिंग की जो आ, थिकनेस होगी वो हंड्रेड मिलीमीटर है और यहाँ से मैंने इसको लॉक कर दिया है ठीक है अब एक और चीज़ हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे फैमिली में यहाँ पर हम आ जाते हैं और एक इसका जो वायरिंग होगी इसकी वो उसके लिए हम एक, एक एक्सट्रूशन सेलेक्ट करते हैं यहाँ से हम इसको सर्कल सेलेक्ट करके सेंटर में एक वायरिंग सी हम यहाँ पर देंगे यहाँ पर बिल्कुल हेक्सागोन सीलिंग के सेंटर से एक वायरिंग देंगे क्योंकि जो हेक्सागोन सीलिंग में जो लाइट लगेगी एलईडी लाइट उसकी वायरिंग हमारी यहाँ से जाएगी तो ये बता रहा है कि बहुत स्मॉल सर्कल है एक सर्कल सा हमने ले लेना है यहाँ पर तो मैं सर्कल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पर तो ये बोल रहा है बहुत शॉर्ट बना रहे हैं आप थोड़ा सा हमें बड़ा बनाना पड़ेगा यहाँ पे तो अगेन ट्राई करते हैं सर्कल यहाँ पर एक्सट्रूशन एंड जो है वो उसका हम चेंज कर देते हैं एट मिलीमीटर मैंने कर दिया और यहाँ पर देखें सर्कल क्रिएट हो गया अब हम इसको क्या करते हैं अपने आ, अपने तरीके से आप चेंज कर सकते हैं मैं इसको मिलीमीटर mm करा है तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और छोटा कर देते हैं ट्वेंटी mm कर मीटर हैं मिली मिलीमीटर mm सही लग रहा है आप इसको फिफ्टीन कर देते हैं सही है फिफ्टीन पे बिल्कुल बेस्ट रहेगा ये तो फ्रंट पे आ जाते हैं फ्रंट एलिवेशन पे ये रहा एलिशन से हमारी सीलिंग की जो वायरिंग गुजरेगी और इसको यहाँ से इसके साथ अटैच कर देना है हमने सही है सीलिंग के टॉप के साथ हमने सेंटर को इसको अटैच कर देना ये एक समझेंगे पाइप की तरह जो है वो बन गया इस पाइप के अंदर से जो है वो वायरिंग जाएगी जो एल लाइट होगी और इसको यहाँ से हम लॉक करेंगे सही है तो ये हमारी वायरिंग भी क्रिएट हो गई है थ्री डी आ गया अगर हम देखते हैं इसको ये ये देखें हमारी जो यहाँ से रियलिस्टिक करते हैं तो अभी देखें खैर ये ब्लैक दिखा रहा है तो वापस इसको हिडन लाइन कर देते हैं हम अच्छा इसमें अब हमने क्या करना है इसके अंदर एक एल भी हमने क्रिएट करनी है तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ से क्रिएट पे आ जाते हैं और सेट वर्क प्लेन हम करेंगे यहाँ से सेट वर्क प्लेन करेंगे किस वर्क प्लेन में हमने काम करना है पिकअप प्लेन कर लेते हैं यहाँ से ओके okay कर देता हूँ और यहाँ से हम वर्क प्लेन जो है वो अपने सेट कर लिया और यहाँ से आप क्या करेंगे वाइड एक्सट्रूशन जो है हमने यहाँ से देनी होगी यहाँ से वाइड एक्सट्रूशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं सही है इस बार ही हम क्या करेंगे पिक लाइंस हमने पिक लाइंस जो है वो सेलेक्ट करनी है ठीक है पिक लाइन सेलेक्ट करनी है और ऑफसाइड इसको मैं दे देता हूँ फिफ्टी मिलीमीटर का इसको ऑफ साइड हम देंगे फिफ्टी मिलीमीटर mm हमने यहाँ से रखना है हर तरफ से हर जो साइड है सिक्स साइड जो होगी हमारी इसकी सिक्स साइड को हमने फिफ्टी मिलीमीटर mm पे सेलेक्ट करके ओके okay कर दिया फिनिश एडिट मूव कर दिया अब इसका जो अंदर वाला एरिया है उसको हमने एक्सट्रूशन देना होगा ठीक है एक्सट्रूशन दे के यहाँ से हम क्या करेंगे पिक लाइंस सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से देखें आप इसको हमने अब सेलेक्ट करते जाना है सिक्स साइड्स को जितनी भी इसकी सिक्स साइड है एक्सट्रूशन हमने इस पर देना है और फिनिश एडेड मोड कर देते हैं ठीक है ये फिनिश एडिड मोड हो गया बट ये थोड़ा सा हमें जैसे लग रहा है कि बाहर निकला हुआ है एक्सट्रूशन एंड हम इसको क्या करेंगे फ़ाइव मिलीमीटर mm कर देंगे फाइव मिलीमीटर mm पे भी ये जैसे लगेगा कि भाई बाहर सा निकला हुआ है बट हमें इसको बाहर नहीं चाहिए हमें इसके इसको अंदर की तरफ दिखाना है जो एल होगी तो हम क्या करेंगे इसको आ, अगर आप इसको माइनस फाइव करेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से फिर क्या करेंगे हम मटेरियल भी इसका चेंज कर लेते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे गिलास में अगर लिख के सर्च करता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ गिलास और गिलास में देखें आपको अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पर आपको लाइट वाला ये वाला देखें सही है लाइट का एक दिख जाएगा वाइट लाइट तो यहाँ पर आपने ये मटेरियल जो है वो इस एलईडी में ऐड कर देना है सही है लोड इनटू प्रोजेक्ट हम कर देंगे इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट करते हैं और उसके बाद सीलिंग प्लान में लेवल वन पे आके हमने क्या करना है कंपोनेंट सेलेक्ट करके और ये देखें हमारी जो सीलिंग हमने यहाँ से हेक्सागोन सीलिंग डिज़ाइन करी वो यहाँ पर आ गई अब इसको आपने बारी बारी जो है वो कोई भी डिज़ाइन अपनी आ, अपने तरीके से रेंडमली बना सकते हैं आपको जिस तरीके से आपको पसंद आ रहा है मैं अभी यहाँ पर रेंडमली जो है वो आ, अपनी ही मर्जी से मैं यहाँ पर लगाऊंगा कि जहाँ जहाँ पर मैं चाह रहा हूँ वहाँ वहाँ पर मुझे जो है वो सीलिंग लाइट एक डिज़ाइन सा ये देखें बन गया ठीक है आप अपनी मर्जी से आप जो डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं वो आप बना सकते हैं अभी मैं जो हूँ वो अपनी मर्जी से जो है वो यहाँ पर इस सीलिंग का हैक्जोकॉन सीलिंग का जो है वो यहाँ पर डिज़ाइन बना रहा हूँ ठीक है तो इस तरीके से ये देखें ये सारे जो है वो आप पूरी आ, पूरा जो रूम है इस पर हम पूरे पे जहाँ जहाँ चाहें वहाँ वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं सीलिंग पे ठीक है ये इस तरीके से आपने यहाँ रख दिया कुछ सेंटर में भी यहाँ पर हम रख देते हैं सेंटर में भी हम यहाँ पर फिक्स करते हैं इसको सीलिंग को इधर सही है और एक हम लगा देते हैं इधर एक इधर लगा देते हैं और एक इधर लगा देते हैं सही है ये सारी जगह जो है वो आपने इस तरीके से रैंडमली आपने डिज़ाइनिंग जो है वो आपने कर लेनी है जहाँ जहाँ पे जिस एरिया पे भी अगर आप चाह रहे हो उस एरिया पे जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से आप ऐड कर सकते हैं सीलिंग क्योंकि हमारे पास अभी देखें सीलिंग जो है वो बिल्कुल क्रिएट होके हमने तैयार करके हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में ले आ गए हैं इसको तो अब हमारी मर्जी है हम जहाँ चाहें इसको सीलिंग पे लगा सकते हैं देखें यहाँ पर भी कुछ गैप्स हैं यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर भी लग जाएं गैप्स में ताकि हमारे गैप्स जो हैं वो फेल हो जाए कोई जगह जो है वो खाली ना रहे सही है इस तरीके से आप जो है वो सीलिंग जो है वो लगा के और क्या करेंगे उसके बाद आपने लेवल वन पे आ जाना है और यहाँ पर कैमरा क्रिएट कर देते हम यहाँ पर हम कैमरा लगाते हैं कैमरा लग गया ये देखें कैमरा लगने के बाद देखें कैमरा हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है सही है उसके बाद हम इसको रियलिस्टिक अगर करते हैं यहाँ से मैं इसको रियलिस्टिक कर देता हूँ ठीक है ये देखें इस तरीके से हमारी जो है वो एग्जागोन सीलिंग जो है वो सब जगह फिक्स हो गई है जहाँ जहाँ पर हमने जो है वो लगाई वहाँ वहाँ पर जो है वो ये हेक्सागोन सीलिंग जो है वो फिक्स हो गई यहाँ पे अब हमने क्या करना है अगर मैं इसको चाहूँ कि अगर हम इसको रेंडर करके देखना चाहें तो आप इसको रेंडर करके देख सकते हैं डबल आर प्रेस करेंगे तो रेंडर का ऑप्शन आ जाएगा ठीक है डबल आर प्रेस करके यहाँ पे हमने सिंपली रेंडर पे क्लिक कर देना है रेंडर पे मैंने क्लिक कर दिया है और कुछ देर लगेगी ये रेंडर होने में इसको तो ये देखें रेंडर ये स्टार्ट हो गया रेंडरिंग इसकी स्टार्ट हो गई है अच्छा ये लाइटिंग जो है वो थोड़ी कम है एडजस्ट एक्सपोजर जो है वो हमने करना है यहाँ से इसको मैं अप्लाई करता हूँ और ये देखें ये जो सबसे टॉप वाला है ना इसको हमने सेट करना होगा यहाँ से देखें इसको मैंने सेंटर पे लेकर आता हूँ अच्छा ये देखें बहुत ज़्यादा हो गया इसको बिल्कुल आपने एडजस्ट करना होगा जिस तरीके से आपको लाइटिंग चाहिए तो फ़िलहाल देखें मुझे इस तरीके से जो है वो चाहिए कि सिर्फ हमारी जो सीलिंग है वो यहाँ पर शो हो जाए कि हमें नज़र आ जाए कि हाँ हमने जो सीलिंग डिज़ाइन करी है वो हमारे पास प्रॉपर लग गई है तो इसी तरीके से आप जो है वो डिजाइन कर सकते हैं हेक्सागोन सीलिंग सो सपोर्टिंग सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस